हेलो बच्चों, क्लास 8 में हिंदी मीडियम जीके में आपका 6 चैप्टर कंटिन्यू है। सामान्य ज्ञान में औषधीय पत्तियाँ या औषधीय पौधे, ऐसे बहुत सारे पौधे हमें देखने को मिलते हैं जिनमें बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। हम बहुत सारे पौधों को अनाज के रूप में ग्रहण करते हैं, मसालों के रूप में ग्रहण करते हैं, और फल और फूलों और सब्जियों के रूप में भी ग्रहण करते हैं। ये बच्चों हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। चलिए आइए पढ़ते हैं। इनमें से कुछ पौधे आपके सामने हैं। कुछ पेड़ पौधों की पत्तियों का प्रयोग हजारों वर्षों से औषधि के रूप में होता आ रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि इन औषधियों की पत्तियों का प्रयोग सुरक्षित और पूरी तरह से प्रभावी है। इन पत्तियों का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। नीचे कुछ पौधों की पत्तियों के विषय में बताया गया है। ये भी बताया गया है कि इन औषधीय पत्तियों का प्रयोग किन-किन बीमारियों के उपचार में किया जा सकता है। चलो बच्चों देखते हैं। आम के पत्ते सामने आपके, दालचीनी के पत्ते हैं आपके सामने, उसके बाद है करेले के पत्ते हैं आपके सामने, नीम के पत्ते हैं आपके सामने। ठीक है, चलिए आइए बच्चों पहचानते हैं। पौधों और उपचार को सामने लिखा है, श्रेणी में बताया गया है बच्चों। गोभी के पत्ते, तो गोभी के पत्तों का उपचार होता है मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए। आंखों के फायदे हैं, आंखों में दिखाई देने के लिए, अच्छे से दिखाई देने के लिए। आँखों के दो दृष्टि दोष होते हैं, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, दोनों के लिए फायदेमंद होता है। रतौंधी के लिए भी फायदेमंद होते हैं, और अधिक उम्र में अच्छे से देखने का लक्षण प्रकट होता है कि हम देखने हमारे नेत्र स्वस्थ रहते हैं। वजन कम करने के लिए भी और त्वचा के भी फायदे होते हैं गोभी के पत्ते के लिए। तो इसका उपयोग करना चाहिए, मौसम की गोभी का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों। गोभी और आलू की सब्जी भी अच्छी तरह से बना के लोग इस्तेमाल करते हैं। पुदीना है सेकंड। पुदीना के बहुत फायदे हैं बच्चों। मिंट कहते हैं इसे इंग्लिश में। रक्त शोधक होता है, गले की खराश को दूर करता है, खांसी को ठीक करता है, उल्टी दस्त में फायदा देता है और इम्यूनिटी बढ़ाता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और हरा हरा है तो इसीलिए आपके शरीर को बहुत बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं, जो बहुत फायदे वाली चीज़ है। उसके बाद है दालचीनी के पत्ते, तो जोड़ों का दर्द, सांस संबंधी दिक्कतों को दूर करता है। सरसों के पत्ते कब्ज़ व बवासीर, आँखों के स्वास्थ्य तथा गुर्दे में पथरी के लिए फायदे हैं सरसों की पथरी। उसके बाद है पान के पत्ते, पाचन क्रिया के लिए, मधुमेह, डायबिटीज़ के इलाज के लिए, कब्ज़ से राहत देता है। मेहंदी के पत्ते छाले के लिए, अल्सर के लिए, अल्सर होता है पेट में पाए जाने वाले, पेट में हो जाने वाले छाले जिसे अल्सर कहते हैं। अल्सर के लिए चोट ऊपर से लगी हुई है, बुखार हो रहा है, तो मेहंदी के पत्ते काम करते हैं। तुलसी के पत्ते, तो तुलसी पीपल को अमृत कहा गया है। तुलसी पीपल अमृत, तुलसी पीपल नीम आंवला गिलोय, ये सारे पौधे जिनका नाम लिए, पृथ्वी पर सचमुच अमृत के समान है। तुलसी के पत्ते खांसी जुकाम में राहत, गले की खराश, उल्टी दस्त में फायदा देते हैं। आम के पत्ते मस्से का इलाज, मुंह की सफाई, कान का दर्द। कपूर के पत्ते, कपूर भी एक पौधा होता है, तो नसों का इलाज, दमा हिचकी, और कपूर का इस्तेमाल धार्मिक कार्यों के लिए, हवन के लिए कितनी, और रोज पूजा के लिए कितना उपयोगी है कपूर का इस्तेमाल। नेक्स्ट है बच्चों नीम के पत्ते, कीटनाशक के रूप में डेंगू मलेरिया से बचाव के लिए फोड़ा फुंसी में लाभकारी होते हैं, और घर में अगर जला दें तो मच्छर भी भाग जाते हैं। मच्छर और घर को पूरी तरह से शुद्ध करने के लिए नीम के पत्ते बहुत उपयोगी होते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।